you very much, everybody, for joining me once again. My guest today is somebody who represented Pakistan on 27 occasions. He's a very familiar face around the world in terms of coaching. He played county cricket for the likes of Surrey, Sussex. He played for Scotland also, and he played for many franchises around the globe. He's a level 4 ECB qualified coach. There's not many of those around, but he's one of the guys who's actually attained that standard. And recently, he was appointed as the High Performance Coach by the Pakistan Cricket Board, where he worked with the Pakistan cricket team and also the Pakistan Under-19s ahead of the World Cup. Very warm welcome to Yasir Arafat. Yasir Bhai, nice to see you. Thank you very much, Sadhvi. Bahut bahut shukriya. Thank you. Yasir Bhai, PSL chal raha. So let's start with the PSL. Aapne toh matches dekhe hoge. What do you think of the standard of the Pakistan Super League this time? देखें स्टैंडर्ड तो अगर आप बात करें पिछले कुछ सालों की और इस साल की थोड़ा सा मुझे ये फील हो रहा है कि टॉप प्लेयर्स जो थे दुनिया के वो हमें देख खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे और उसमें अगर आप देखें इवन अफगानिस्तान के भी कुछ अच्छे प्लेयर थे जो कि पास में आते रहे हमारी मतलब लीग में खेलते रहे वो उनकी अपनी सीरीज उनके साथ UAE में हो गई और उसके अलावा भी देखें बोर्ड्स ने ये किया है कि जितनी क्रिकेट ज़्यादा होगी अब वो अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं अब स्पेशली देख वर्ल्ड कप को देखते हुए क्योंकि वर्ल्ड कप अब ज़्यादा दूर नहीं है कुछ ही महीने रह गए हैं वर्ल्ड कप में तो वो यही सोच रहे हैं कि अगर अपने प्लेयर्स को जितना उनका जो वर्कलोड है उनकी जो मैनेजमेंट है वो ज़रा बेहतर तरीके से की जाए और उसके बाद आप ये भी देखें कि IPL की वजह से क्योंकि काफ़ी लड़के अब IPL में भी जाएंगे तो उन्होंने पिक एंड चूज उन लोगों ने उनकी बोर्ड्स ने उनके प्लेयर्स ने उनके एजेंट्स ने उनको बताया कि आप अगर अपनी क्रिकेट थोड़ी कम कर लें और जो क्वालिटी क्रिकेट नॉट क्वालिटी बट ये है कि जितनी कम से कम क्रिकेट खेलें बिफोर द वर्ल्ड कप तो प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा तो इस वजह से मुझे लगता है उसके अलावा अगर आप देखें क्राउड्स बड़ा क्राउड्स का जो अटेंडेंस थी ग्राउंड्स में लाहौर में अगर आप देखें मुल्तान में देखें तो उसको देख के बड़ी खुशी हुई मगर उसके बाद आप स्टैंडर्ड एक और अगर आप बात करें फील्डिंग की अगर आप बात करें वो बड़ा ही देख के बड़ी मायूसी हो रही है फॉरेन प्लेयर्स की तो हार्डली किसी ने कैच छोड़ा मगर अपने प्लेयर्स को जब देखते हैं उनकी फील्डिंग उनकी सिर्फ कैचिंग नहीं ग्राउंड फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं है तो वो देख के थोड़ी मायूसी होती है यस भाई फील्डिंग की आपने अच्छी एक पॉइंट क्लारिफाई किया क्यों हमारे प्लेयर्स फील्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है देखो यंगस्टर्स सीनियर प्लेयर्स एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग का जो मसला है वो तो चल रहा है साजिब भाई इसमें देखें ये एक हमारी रिफ्लेक्शन है हमारी जो जूनियर लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे जो क्रिकेट है हमारी जिस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं वो अब चीज़ बड़ी ही एविडेंट नज़र आ रही है इस PSL में कि जब प्रेशर मैचेस होते हैं टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के अगेंस्ट हमारे जो यंगस्टर्स आके जिसमें इमर्जिंग प्लेयर या डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं वो जब आते हैं और जब इस इतने बड़े स्टेज पे बड़े लेवल पे आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा एक्सपोज हो जाते हैं मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिक्स हैं ये गलत हैबिट्स डेवलप हो गई हैं हमारे प्लेयर्स के अंदर के जो जो बेसिक जो टेक्निक होती है मगर आप इसको थोड़ा मैं थोड़ा इसको और आगे भी लेके जाता हूँ कि अगर आप देखें हमारे कई प्लेयर जो टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हैं वो सिर्फ फील्डिंग गलत फील्डिंग टेक्निक होने की वजह से इंजर्ड हो गए जिसमें हारिस जब इंग्लैंड के खिलाफ पिछली दफा अनफिट हुए और अभी फिर दोबारा वो अपनी फील्डिंग कैच उन्होंने बड़ा अच्छा पकड़ा मगर जो उन्होंने वो जो आखिर में जो डाइव लगाई है जो भी किया उसमें उनकी जो इंजरी हुई कितना देखें सेटबैक है लाहौर कलंदर और पाकिस्तान के लिए नसीम शाह आपके सामने एग्जांपल है कि वो फील्डिंग की वजह से उन्होंने वर्ल्ड कप एशिया कप में उनकी इंजरी और वो सारी चीजें उसके बाद फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसा इतना इंपॉर्टेंट टूर सिर्फ अपनी रॉन्ग टेक्निक फील्डिंग टेक्निक की वजह से मैं समझता हूँ कि वो उनको इंजरी हुई और पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान हुआ तो हमें यह है कि देखें हमारे प्लेयर्स को थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में खेलना पड़ेगा और फील्डिंग जो होती है देखें क्रिकेट वो लोग खेलते हैं या वो लोग खेल सकते हैं लंबी या अच्छी जो जिनमें एथलेटिसिज्म ज्यादा होता है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स में एथलेटिसिज्म की थोड़ी कमी है वो बैटिंग बॉलिंग तो करते हैं बड़े शौक से मगर जब फील्डिंग की बारी आती है तो वो वहां पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वो हार्डवर्क थोड़ी मेहनत कम करते हैं तो अगर इन चीजों को एज अ इंडिविजुअल को भी इस पे काम करना चाहिए और जो कोचिज भी टीमों के साथ डोमेस्टिक टीमों पे जो कोचिज हैं वहां पे ग्रास रूट पे जब ये इनकी जो हैबिट्स हैं टेक्निक जो है वो अच्छे तरीके से अगर आप डेवलप करेंगे तो आपको ऊपर लेवल पे आके इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी गोइंग बैक टू PSL यासर भाई मैं देख रहा था ओवरसीज प्लेयर्स का स्टैंडर्ड जैसे आपने कहा
Unfortunately, this time around or last maybe one or two tournaments जो है वो overseas top players नहीं आ रहे PSL में. देखो IPL has the dominant window when no international cricket is being played. पाकिस्तान सुपर लीग जो है they're competing with Bangladesh Premier League और दूसरे टूर्नामेंट्स भी. ये तो एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए टू अट्रैक्ट द बेस्ट ओवरसीज टैलेंट नाउ. देखिए ये तो ऐसा तो होगा, हर मुल्क ये चाहेगा, इवन यूएई जैसा जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, मगर उन्होंने उसके बावजूद भी इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की कि तमाम दुनिया के प्लेयर्स वहां जाकर खेलना चाहते हैं, कोचिज काम करना चाहते हैं। और वेरस पाकिस्तान में अगर देखें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनेंशियली, जब पैसा किसी भी इवेंट में या किसी भी लीग में डलेगा या लगेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद फिर आप देखें जिस तरीके से आप किसी भी इवेंट की प्रमोशन होती है, बहुत सारे लोगों से ये सुनने में आ रहा है कि जो प्रमोशन इस दफा उस तरीके से नहीं हुई जितना पास्ट में अगर होती रही पाकिस्तान पीएसएल की, पाकिस्तान में इतनी उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है, इलेक्शन का दौर था, वो छोटी मोटी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से उतनी हाइप इस साल नहीं क्रिएट हुई। मगर अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको एक सेपरेट एंटिटी लेकर इसका एक अलग मॉडल होना चाहिए जो पूरा साल इस पे काम करे, वो टीमों को इंगेज रखे, उनकी जिस तरह वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स या इस तरह की चीजें, ताकि इस तरह ना हो कि टूर्नामेंट से पहले कोई एक कोचिज एक हफ्ता पहले या 2 दिन पहले कोचिज आ रहे हैं, 2 दिन पहले ओवरसीज प्लेयर आ रहे हैं, तो इसको थोड़े और बेहतर तरीके से भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है अगर इसको स्ट्रक्चर्ड और प्लान करके किया जाए। लाहौर कलंदर्स के बारे डिस्कस करें अब यासर भाई. 100% रिकॉर्ड लेकिन डिफीट्स बिल्कुल लास्ट टू टाइम्स विनर्स. इस दफा क्या होगा यासर भाई, क्या हो गया कलंदर्स को? देखें मैं समझता हूं कि बाकी टीमों ने इंप्रूव किया है। अगर आप बाकी टीमों को देखें, उन्होंने जो स्ट्रेटेजी, जो उन्होंने कैप्टेंसी चेंज की, उन्होंने कोचिंग स्टाफ को, स्पोर्ट्स स्टाफ को चेंज किया, और जो ड्राफ्टिंग फिर उन्होंने पिक किए प्लेयर्स, उन्होंने वो देखा कि वो प्लेयर रखे जाएं जो कि अवेलेबल हों। अब राशिद खान की देखें इनको कितना नुकसान हुआ, एक वो उनके जब बॉलिंग का न्यूक्लियस था उसके इर्द गिर्द पूरी टीम या पूरी बॉलिंग अराउंड जो थी वो रिवॉल्व करती थी। तो उसके अलावा उनके जो की प्लेयर हैं, आप देखें फखर इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस टीम के, वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब्दुल्ला शफीक इन एंड आउट हुए, कामरान गुलाम को एक हार्डली पिछला जो मैच मिला, तो जो कम्बिनेशन को देखे, फिर उनकी बॉलिंग जो थी, मैंने खुद बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आकिब जावेद की कल सुनी और देखी, वो यही कह रहे थे कि वो हैवी बॉलिंग के साथ जाते हैं, और उनके बॉलर्स ने इस दफा वो देखें वही बॉलिंग थी जो पाकिस्तान टीम की लास्ट जो सीरीज थी न्यूजीलैंड की, वही बॉलिंग थी, वहां पर भी स्ट्रगल किया और यहाँ पर भी स्ट्रगल किया। यहाँ पर तो वहां तो टॉप क्वालिटी टीम या बैट्समैन थे, शॉर्ट बाउंड्रीज थी, खेलना मुश्किल था परफॉर्म करना, बल्कि यहाँ तो आपको अपनी कंडीशंस हैं मतलब उतना कंपेटिटिव नहीं है जितना इंटरनेशनल लेवल पे होता है, यहाँ पे भी उनके बॉलर्स ने स्ट्रगल किया। तो ये चीजें कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लाहौर कलंदर इस साल स्ट्रगल किया, और उनको अपनी जो है ये स्टाफिंग में, स्पोर्ट्स स्टाफ में और जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग में थोड़ा सा और बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। कैप्टनसी स्ट्रगल्स ऑल्सो यासर भाई, क्या कह रहे हैं कैप्टनसी स्ट्रगल्स ऑल्सो एट लाहौर कलंदर्स. कैप्टेंसी, देखिए स्ट्रगल तो नहीं, अब देखिए 2 साल वो जीते हैं तो अब वही कप्तान था, तो यहाँ पे ये मैं कहना चाहूंगा कि देखें कैप्टन इज एज गुड एज हिज ऑन टीम, कि अगर आपकी टीम ही परफॉर्म नहीं कर रही तो आप कैसे मतलब अकेले सिंगल हैंडेडली नहीं जिता सकते। यहाँ पे मैं एक कोट करूंगा जावेद मियां दास से, किसी ने कप्तानी के बारे में एक दफा पूछा तो जावेद भाई ने कहा कि अगर मुझे वेस्ट इंडीज के चारों फास्ट बॉलर दे दो मैं तो देखता हूँ कि दूसरी टीमें मेरे सामने से कैसे जीतती हैं। तो ये आप यही है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हो तो कप्तानी भी अच्छी लगती है, और रिसोर्सेज ना हो तो अच्छे से अच्छा कप्तान जो है वो उसकी टीम हार जाती है। यासर भाई, काफी डिबेट चल रही है इस दफा के इस टाइम पर के शहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान T20 कैप्टनसी ही गॉट इट टू सून एंड रिजवान वाज द बेटर ऑप्शन. आपका क्या ख्याल है? देखिए इस पे डिबेट हम भी कर सकते हैं, मगर मैं एक उसको इस तरह लेता हूं कि अगर जब आपने कोई डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ले लिया है तो अब आप की चेंजिंग एंड चॉपिंग करके, अगर रिजवान भी आते हैं, देखिए अगर लड़के परफॉर्म नहीं करते तो आप किसी को भी कप्तान लगा दें। मैं जिस तरह पहले बात की ना, ये आपके रिसोर्सेज, आपके प्लेयर, आपकी स्पोर्ट्स स्टाफ, क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन, ये सब इंटरलिंक्ड होते हैं। जब तक इन चीजों में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आप जिस मर्जी को कप्तान लगा दें, देखिए ये थोड़ा सा हार्च होगा,
अगर शाहीन के साथ अगर इतनी जल्दी उनको, अब देखिए लड़कों ने वहां परफॉर्म नहीं किया या कैचेस छोड़े, बॉलर ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, तो आप ब्लेम सिर्फ कप्तान पे नहीं डाल सकते। आप जब आपने एक दफा डिसीजन ले लिया है तो आप इसको कंटिन्यू और कैरी ऑन करें। यही अगर रिजवान अगर फर्ज करो किसी ऐसी टीम में होती जो हार रही होती तो लोग ऐसी डिबेट ना करते, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके प्लेयर्स हैं, उनके पास स्पोर्ट्स स्टाफ बड़ा अच्छा काम करने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस डिस्कशन को करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अगर कोई इस तरह की कोई बात है तो वो वर्ल्ड कप तक वेट कर लें और वर्ल्ड कप के बाद फिर डिसाइड करें कि अगले वर्ल्ड कप के लिए क्या प्लानिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ कैप्टन एंड प्लेयर्स। पाकिस्तान T20 ओपनिंग बैटिंग सिचुएशन, यासर भाई देखो, हम लोग तो यूज टू थे कि रिजवान और बाबर, अब साइम अयूब हैज कम इनटू द इक्वेशन, और हफीज कह रहे थे कि ही हैड अ वर्ड विद बाबर एंड रिजवान के टीम सिर्फ आप दोनों की नहीं है, दूसरे भी प्लेयर्स को चांस देना चाहिए। आपके क्या थॉट्स है यासर भाई, हु शुड बी ओपनिंग द बैटिंग इन T20s फॉर पाकिस्तान? देखिए ये एक आप कह सकते हैं एक ये कम्बिनेशन को ट्राई किया उन्होंने कि देखें अगर हम पास्ट में अगर उसी कम्बिनेशन से इतने अरसे से खेल रहे के आ रहे हैं और हमें जो वो हफीज चाहते थे कि हमें इस तरह का स्टार्ट नहीं मिल रहा कि अगर टीमें 200 कर रही हैं, 200 प्लस कर रही हैं, तो हमें अगर स्टार्ट ही अगर अच्छा ना मिले तो उसमें अगर एक एक्सपेरिमेंट किया इन अ वे। मैं समझता हूँ कि देखिए बाबर ने तीनों इनिंग्स जो तीन या चार इनिंग्स खेली वहाँ 5-3-50 उन्होंने किए, जो भी अच्छी परफॉर्मेंस, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। मैं समझता हूँ उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि एक एक एडिन आपके पास नया प्लेयर आ गया वहां, गलती ये गलती तो नहीं हुई, थोड़ा सा बैड लक कह सकते हैं आप पाकिस्तान की भी और सैम अयूब की भी, कि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया वो उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सके। अगर तो वो क्लिक कर जाते और उसी तरीके से जिस तरीके से वो पहला मैच खेले थे ऑकलैंड के अंदर वही स्टार्ट अगर अगले मैच में देते तो एक बड़ा अच्छा ये कम्बिनेशन आपका बन सकता था, रिजवान सैम और तीसरे पे बाबर, और बाबर भी परफॉर्म कर रहे थे। तो ये है कि हमारे प्लेयर्स में थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस जो है ये एक कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं आती, ये पैचेस में आती है, 4 मैचेस में परफॉर्म नहीं करते, एक में करते हैं फिर। तो अगर तो आपने कंपीट करना है दूसरे प्लेयर्स के साथ ना, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। और आपको बाकी प्लेयर्स भी हैं, देखिए बाकी प्लेयर जिस तरह इफ्तिखार बड़ा अच्छा फॉर्म में खेल रहे हैं, आजम ने कुछ अच्छी इनिंग्सें खेली हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई सलमान अली आगा ने अपनी गेम को बड़ा इवॉल्व किया, वो वनडे के बाद टेस्ट में इतना अच्छा खेले, टेस्ट के बाद अब T20 में इतना अच्छा खेल रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ्यूचर में वर्ल्ड कप को देखते हुए, ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन बन सकती हैं। कैसे भाई, कोई प्लेयर्स है जो PSL टूर्नामेंट्स और दूसरे T20 टूर्नामेंट्स में बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस, कंसिस्टेंसी, लेकिन जब वो ग्रीन शर्ट पा लेते हैं पाकिस्तान के लिए एंड दे लुक अ डिफरेंट प्लेयर, व्हाट आर द रीजंस यासर भाई? इज इट प्रेशर, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, वो प्लेयर्स का माइंडसेट है कि यार इस दफा मैंने 50 नहीं बनाए तो नेक्स्ट मैच पता नहीं खेलेगा मैं या नहीं? देखिए लीग क्रिकेट इतनी आ गई है तो मैं ये मुझे ये फील आती है कि प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं लीग्स को, कि जहां पे प्रेशर नहीं है, आपने 2 मैचों में कुछ नहीं किया, तीसरे में आप कर देंगे तो आपके लिए, और वीकर बॉलिंग होती है या वीकर बैटिंग लाइनअप्स होती है जब बॉलर्स के लिए आपको आउट करने के लिए इजी होता है। व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग फॉर योर नेशनल टीम आप ऐसे लेवल पे आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा जो वो जो एक जज्बा होता था पहले, एक पैशन होता था पाकिस्तान खेलने का, मैं वो समझता हूँ कहीं कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें कमी आ गई है प्लेयर्स की, कि वो कहते हैं कि अगर पैसे ही बनाने हैं तो हमें लीग्स में पैसे मिल रहे हैं तो वाई कि इतने प्रेशर में। और देखिए उनकी भी गलती नहीं है, इतना क्रिटिसिज्म होता है जब आप पाकिस्तान लेवल पर जाते हैं कि थोड़ी सी एक आधी इनिंग कोई बुरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो पूरा मीडिया जो है वो उनके अगेंस्ट हो जाता है, और फिर उनको इतने प्रेशर में आपको बार बार अगेन अगेन परफॉर्म करना पड़ता है, कम बैक करने पड़ते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर्स जो है वो इजी ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और इजी ऑप्शन आजकल ये है कि वो आप लीग में चले जाते हैं, आप पैसा भी बना लेते हैं, आपका नाम भी बन जाता है, और सोशल मीडिया पे भी आपकी वाह वाह हो जाती है। इन टर्म्स जब आप पाकिस्तान या नेशनल लेवल पे आते हैं फिर आपके पास आपके वो वीक बॉलिंग नहीं मिलती है, लीग्स में तो आपको वीक बॉलिंग 1-2 अच्छे बॉलर मिलते हैं, बाकी आपको वीक मिल जाते हैं, फिर आपको कैचेस आपके ड्रॉप अगर हो जाते हैं तो आप वहां पे परफॉर्म करने के आपके पास मार्जिन या ऑप्शन ज्यादा होते हैं। वेयर एज इंटरनेशनल लेवल पे आप ये है कि प्लेयर्स में मैंने थोड़ा देखा है कि थोड़ा पैशन की थोड़ी कमी है।
Yes, right. Finally, recently आप हाई परफॉर्मेंस कोच रोल था पीसीबी के साथ. यू ऑब्वियसली वर्क विद अंडर 19 टीम एंड द पाकिस्तान नेशनल टीम. कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? देखिए बड़ा ही शॉर्ट स्टेंट था मेरा, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आके उनकी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा था उससे पहले कैंप था लाहौर में, और उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड T20 के लिए जा रही थी, तो फिर मैं कैंप अटेंड किया मैंने लाहौर का, और उसके बाद फिर मैं चला गया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, शॉर्ट एक्सपीरियंस था, बट अगेन देखें ये कोचिंग ये हफ्ते 10 दिन महीने 2 महीने की नहीं होती, ये सालों के साल लग जाते हैं। 12 दिन में या देखें 2 हफ्ते में तो आप प्लेयर्स को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। जितने भी लड़के पाकिस्तान टीम में भी खेल रहे हैं सब जूनियर लड़के हैं मेरे, मेरी इनसे कुछ लड़कों से मेरी पहली मुलाकात हो रही थी, तो आपको अगर एक एक दिन एक एक लड़के पर भी अगर आप लगाएं उनसे बातचीत करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उसी में वो डायरेक्ट हो जाता है। तो ऑल्दो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, मगर अगेन ये है कि कुछ लोग अभी भी इस पे बात करते हैं कि जी पहली सीरीज थी और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एज अ कोच नहीं हुई। तो देखें ये उन लोगों को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि कोचिंग जो है वो सिर्फ बल्ला पकड़ के बताना या बॉल पकड़ के बताने की नहीं होती, इसमें और भी लवाजमात होती हैं, और भी चीजें होती हैं जो कि जिसको बाद में फिर लोग एक बड़े वर्ड में मैन मैनेजमेंट कहते हैं, फिर उनकी प्लेयर की साइकोलॉजी होती है, और उसके अलावा और भी बड़ी चीजें होती हैं इसमें जो इन्वॉल्व होती हैं। तो आप लोगों ने ऐसा एक बात शुरू कर दी कि जी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं समझता। ये जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं इनको सबसे पहले तो आपको कोच को अपने आप को अंडरस्टैंड करना होता है, उसके बाद फिर प्लेयर्स को आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि उनका मेंटल लेवल क्या है या उनका उनका उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस क्या हैं, तो उनको करते करते फिर आप उनके, अभी तो मैं उनके क्या कहते हैं स्किल्स की तरफ तो गया ही नहीं था, अभी तो सिर्फ उनसे इंट्रोडक्शन हो रही थी, मैन मैनेज या कोई थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी के बारे में, बॉलर्स अगर हैं तो उनकी बॉलर्स की स्ट्रेटजीज के बारे में, अगर बैट्समैनों के बारे में अगर थोड़ी बहुत बात हुई तो, मगर यह है कि इट्स वॉट अ गुड एक्सपीरियंस और बड़ा मुझे मुझे भी सीखने को मिला, और आई एम श्योर प्लेयरों ने भी मेरे से सीखा होगा। यासर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. थैंक यू वेरी मच फॉर योर थॉट्स ऑन द PSL एंड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एज वेल, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द थैंक यू, फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू साहब, थैंक यू।